कितनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा जरा सा प्यार तो दे दे, फलक कदमों पे आ चुके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 9 फरवरी और हम लोग आज जा रहे हैं पार्लर। मैं रास्ते में थी तभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, और मैं 7-8 दिन से वीडियोस नहीं बनाई हूँ क्योंकि बिज़ी थी। घर में शादी है मेरी बहन की तो थोड़ी बिज़ी थी, तो आज मैं सोची कि चलो बनाती हूँ। आज हम लोग पार्लर जा रहे थे, चिकी का फेशियल वगैरह करवाना था। तो हम लोग घर से थोड़ी ही दूर में है पार्लर, निफा पार्लर, वहाँ आपको दिख रहा होगा। निफा पार्लर काफ़ी अच्छा है, वहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छी लगी मुझे। हम लोग का गाइस पूरा दिन लग गया था वहाँ पे, चिकी का काफ़ी कुछ करवाना था, मैनीक्योर पेडीक्योर फेशियल वैक्सिंग वगैरह सारा कुछ, तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया था। हम लोग निकले थे घर से 10 बजे और हम लोग वापस घर आए हैं शाम के 5 बजे, और मेरे हस्बैंड जो है बहुत गुस्सा हो रहे थे बोल रहे थे कि मैं 1 घंटे के लिए सैलून जाता हूँ तो तुम इतना गुस्सा करती हो, और तुम लोग तो 1-1 दिन लगाती हो पार्लर में, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो गाइज़, हम लोग यहाँ पे पार्लर पहुँच चुके हैं, और हमारा जो पार्लर है वो हमारे स्कूल के जस्ट पीछे साइड में था, लेकिन मैं कभी गई नहीं हूँ यहाँ पे। मैंने सिर्फ गूगल पे सर्च किया था तो मुझे सबसे बेस्ट पार्लर यही लगा था, रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। और उधर जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, वो सारे हमारे स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, बॉयज़ स्कूल के बिल्डिंग्स हैं, गर्ल्स के अलग हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे हिंदी भी जानते थे और मलयालम भी जानते थे सभी कोई, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सर्विस था, सब नीट एंड क्लीन था, सबों ने मास्क लगाया हुआ था और अच्छे सर्विसेज थी यहाँ की। बस वही है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया हम लोगों को। मुझे तो ज़्यादा कुछ करवाना नहीं था, तो मैं करवाई थी हेयर स्पा और फेशियल एंड पेडिक्योर, मैनीक्योर मैं नहीं करवाई, बस यही 3 सर्विसेज में ली थी, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी बहन का भी यहाँ पे स्पा हो रहा है। यहाँ पे जो ये दीदी हैं जो स्पा दे रही हैं, उन्हें थोड़ा सा ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है मास्क के वजह से, इस वजह से उन्होंने मास्क नहीं लगाया, आपने मास्क लगा रखा था, तो कोई प्लीज़ जज मत करना कि मतलब इन्होंने मास्क नहीं लगाया या फिर कुछ और। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वेट कर रहे थे बाहर में, और काफ़ी गुस्से भी हो रहे थे वो कि मुझे क्यों लाई हो, मैं बोर हो जाऊँगा, तो फिर ये चले गए थे वापस घर। फिर शाम को हम लोगों को लेने आए थे, और यहाँ पे मेरा स्पा का तैयारी हो रहा है, और मामी जो है पीछे बैठ के वेट कर रही थी, उनका हेयर कट हो चुका था, उनको जाना था, घर आना था, उन लोगों को कुछ काम भी था, इस वजह से वो जल्दी ही आ गई थी, मेरे हस्बैंड के साथ वो आ गई थी, मामू लेने भी गए थे वहाँ पे। और यहाँ पे मेरे स्कैल्प में वो एंटी डैंड्रफ क्रीम लगा रही हैं, इससे जो होता है ना डैंड्रफ पूरा चला जाता है, और मेरे सर में डैंड्रफ था, काफ़ी दिन से मैं परेशान थी और डैंड्रफ की वजह से ही मेरा बहुत ही हेयरफॉल हो रहा था, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा बाल झड़ा है सिर्फ डैंड्रफ की वजह से। और यहाँ पर मेरा फेशियल भी हो रहा था, साथ में पेडिक्योर भी हो रहा था। फेशियल तो हो गया है गाइस, हेयर स्पा भी हो गया है, अब चिकी का थोड़ा लेट है तो उसको लेने के बाद हम लोग अभी निकल जाएंगे। मैं यहाँ पे बाहर ही हूँ अभी पार्लर के, जा रही हूँ, मेरा थ्रेडिंग होना बाकी है। ये जो है ना, ये पूरा हमारा स्कूल का कैंपस है, ये बॉयज़ स्कूल है, वहाँ पे चर्च भी है, और ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, ये पूरा गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग्स है, गर्ल्स के, और बोर्डिंग्स भी इसी कैंपस में है। अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 10 तारीख और मैं अभी सो के उठी हूँ, आज पार्टी है, तो अभी बज रहे हैं 7 और हम लोग जा रहे हैं पार्लर। तो मेरे फेस को इग्नोर कीजिएगा, मैं जा रही हूँ अभी पार्लर चिकी को लेके, और फिर उसके बाद आज पार्टी भी है, वो लोग 1 बजे आने वाले हैं गेस्ट जो है, तो जल्दी जल्दी करना है, मैं जाती हूँ। सारी तैयारी हो चुकी है, सारे कपड़े वगैरह मैं साफ करके अच्छे से रख दी हूँ, और बस तैयार होना है। हेलो गाइस, मैं तैयार हो गई हूँ, फुल रेडी, फुल नहीं, बाल बनाना बाकी है अभी मेरा, और ये है मेरा आउटफिट। अभी चिक्की को लेके जा रहे हैं पार्लर, फिर पार्लर में मिलते हैं।
सो यहाँ पे मैं सोची कि अपना आउटफिट थोड़ा दिखा दूँ, और ये आउटफिट मैं ली हूँ रांची अपर बाज़ार से अनीता साड़ीज़ से। वहाँ पे काफ़ी अच्छे कलेक्शंस होते हैं, मैं वहीं से लेकर के ही आई हूँ। हम लोग यहाँ पार्लर आ चुके हैं, उसी पार्लर में जहाँ हम लोगों ने फेशियल करवाया था, तो यहाँ पे हम आ गए हैं और यहाँ पे इसका आई मेकअप हो रहा है। चिक्की को ज़्यादा हैवी मेकअप पसंद नहीं है, वो थोड़ा लाइट मेकअप ही रखना चाहती थी, इसलिए यहाँ पे लाइट मेकअप ही है और आई मेकअप भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आईब्रोज थोड़े मोटे हो गए थे, लेकिन फिर हम लोगों ने नहीं बोला क्योंकि लेट भी हो रहा था, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं था मोटा, काफ़ी मतलब ठीक ही था और अच्छी लग रही थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। इन्होंने मेकअप भी काफ़ी अच्छा किया है और इनका सारा प्रोडक्ट्स जो था वो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि मैक के थे और मास्क के थे, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स इन्होंने यूज़ किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने हर एक चीज़ को ब्रश से अप्लाई किया, डायरेक्ट किसी भी चीज़ को इन्होंने अप्लाई नहीं किया है। और यहाँ पे लोग जो है मांग टीके को फिक्स कर रही थी। चिक्की काफ़ी डरी हुई थी, और कोई भी लड़की डरती है ऐसे टाइम में, तो वो डरी हुई थी। और यहाँ पे जो है उसका हेयर्स को कर्ल कर रहे हैं, फुल कर्ल नहीं, हाफ कर्ल ही कर रहे हैं, जिससे कि वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा दिखे। और यहाँ पे मेकअप हो गया है गाइस, यहाँ पे सिर्फ लिपस्टिक थोड़ा सा लगना बाकी था और यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा मेकअप और हम लोग घर के लिए निकलेंगे। घर तुरंत ही हम लोग पहुँच गए थे और मेरे हस्बैंड आए थे लेने के लिए, और जाते ही कुछ देर में गेस्ट आ गए और फिर फ़ोटोशूट वगैरह स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ब्राइडल फ़ोटोशूट हो रहा है, जो कि लड़के वालों की तरफ से आए थे और हमारे तरफ से भी फ़ोटोग्राफ़र आए थे, लेकिन थोड़ा लेट आए थे वो। और यहाँ पे सारे गेस्ट आ चुके थे, और जो साड़ी दिया जाता है वेडिंग वाली साड़ी, तो वो देने का जो रस्म है अभी स्टार्ट होगा। यहाँ पे चिक्की की सास और चिक्की की जो दीदी है वो दोनों मिल के साड़ी पीतल के बर्तन में रख रहे हैं, ये कांजीपुरम साड़ी है, और इसे ना पीतल के प्लेट में रखते हैं और इसके ऊपर से गजरा रखते हैं, वाइट कलर के जो फूल हैं मोगरे के फूल, और उसी फूल में अच्छे से सजा करके उसे रखते हैं। और उसे जो है लड़के की जो बहन होती है, अपनी बहन तो नहीं है ये, लेकिन हाँ चचेरी बहन है शायद, कोई कज़िन है इनकी, तो वही देंगी चिक्की को। और यहाँ पे काफ़ी सिंपल सा सजावट हुआ था, क्योंकि ज़्यादा लोग को आना मतलब अलाउ तो है नहीं, 10 से 20 लोग आए हुए थे, और ये घर पे ही ये प्रोग्राम होता है, जो लड़की घर होते हैं उसी के घर में ही प्रोग्राम होता है, हॉल में नहीं होता है। और यहाँ पर चिक्की को मम्मी ले कर के स्टेज पर जा रही हैं, और यहाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह होगा भी। और जो शादी की जो साड़ी होती है ना, वो पूरब की ओर फेस करके ही दिया जाता है, पश्चिम की ओर नहीं फेस करना होता है। तो दीदी इस साइड आ चुकी हैं, और दीदी यहाँ पे पूछेंगी सभी से कि मैं साड़ी दूँ, और सभी को बोलना है हाँ दे दीजिए, और फिर लड़की को भी पूछना होता है कि मैं साड़ी ले लूँ, तो फिर सभी को बोलते हैं कि हाँ ले लीजिए, तो उसी तरीके से छोटा सा ये होता है। और यहाँ पर लड़के के मम्मी पापा भी स्टेज में आ गए हैं, और उस साइड मेरी मम्मी खड़ी हैं, और अभी यहाँ पे दीदी पूछ ली हैं कि मैं दूँ या नहीं साड़ी। यहाँ पे भैया बता रहे थे कि कैसे कैसे क्या करना है और क्या बोलना है। और यहाँ पे चिक्की पूछ रही है कि ले के नहीं, और यहाँ पे साड़ी दे दिए हैं, और साड़ी लेने के बाद
जो लड़की की बहन होती है उसको गोल्ड का चूड़ी दिया जाता है, लेकिन चिकी के सास ने कहा कि ऐसा उन लोगों में नहीं होता है, तो ऐसा नहीं देना है। और फिर उसके बाद वो सारा फंक्शंस होने के बाद यहाँ पे लड़का और लड़की का फ़ोटोशूट हो रहा है, और घर के अंदर ही हो रहा था, और घर के बाहर काफ़ी धूप था, काफ़ी गर्मी था, तो कोई गया नहीं, तो घर के अंदर ही में सारा फ़ोटोशूट हो रहा था। और यहाँ पे हम लोग खाना खा चुके थे, खाना का मैं वीडियो नहीं ले पाई थी इसलिए पिक ही डाल दी। और यहाँ पे जो है खाना खाने के बाद ब्राइड का फ़ोटो शूट हो रहा है पीछे साइड में, और यहाँ पे काफ़ी पत्ते गिरे हुए हैं, लेकिन वो सारे कुछ जो है एडिट हो जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग का फैमिली फ़ोटोज़ भी काफ़ी लिए, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मस्ती किए हम लोग। और यहाँ पे सभी कोई जा चुके थे, सब कुछ खाली हो चुका था यहाँ पे, और हम लोग बैठे हुए थे। सो गाइस, सभी कोई चले गए हैं और हम लोग बैठे हुए हैं, शाम के 4 बज गया है, और बहुत सारा फ़ोटो शूट हुआ है आज। और चिक्की यहाँ पर बैठ के आइसक्रीम खा रही है, बहुत थक गए हैं। अब कल है 11 तारीख, 12 को है शादी, कल एक दिन का गैप है सिर्फ। बहुत अच्छे से सब कुछ बीत गया है, मम्मी बोल रही है अच्छे से हो गया है, बस शादी तक तो टेंशन रहेगा ही। सो गाइस, यहाँ पे चिक्की के और मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो वो बोली कि दी लाल चाय बना दो, तो मैं यहाँ पर लाल चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं प्लेन लाल चाय बना रही हूँ, कोई अदरक वगैरह नहीं डाली हूँ, सिर्फ प्लेन पीने का मन कर रहा था। तो यहाँ मैं पानी रख दी हूँ, अब मैं डालूँगी शुगर। और यहाँ पे मैं सोची कि जब तक मैं चाय बना रही हूँ तब तक मैं यहाँ पे आपको प्लांट्स दिखा दूँ। काफ़ी सुंदर लग रहे थे प्लांट्स, और किचन में ऐसे प्लांट्स रहे तो काफ़ी ग्रीनरी लगती है। और यहाँ पे मेरा जो है पानी वो उबल गया था, तो उसमें चाय पत्ती मैं डाल दी हूँ, और यहाँ पे मेरा चाय बन गया, और मैं यहाँ पे सर्व करूँगी, चिक्की को दूँगी और ख़ुद भी पीऊँगी। साथ ही साथ यहाँ मम्मी रोटी बना रही थी, सब्जी को गर्म कर रही थी, और मैं यहाँ चिक्की के लिए चाय निकाल रही हूँ। यहाँ पे चिक्की को मैं मेहंदी लगा दी थी, तो मेहंदी वो लगा के बैठी हुई थी, सुखा रही थी। और पार्टी से पहले मैंने सिर्फ दोनों हाथों में आगे की साइड में मेहंदी लगाई थी मैं, और अभी मैं पीछे साइड लगा दी हूँ। और पे रात के 12 बजे मेरे हस्बैंड को चॉकलेट खाने का मन किया, तो हम लोग दोनों बैठ के चॉकलेट खा रहे थे। और गाइस, यहाँ पे व्लॉग एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। यहाँ मैं कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर की हूँ आज की। तो चलो, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग होगा शादी का, तो आप लोग वेट करना, मैं डालूँगी ज़रूर। हाँ, एक दो दिन के बाद ही डालूँगी, 12 को शादी है, तो 14 या 15 तक आ जाएगा। फिर हम लोग जाने वाले हैं घूमने के लिए मूनार, तो वहाँ की भी पिक्चर्स डालूँगी। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।